पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक बैठक का आयोजन अंबेडकर पार्क में किया गया। साथ ही बैठक में ये निर्णय लिया गया कि किसानों का गन्ना भुगतान है जो रुका हुआ है उसको लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह चौधरी ने कहा कि इस बार हम पहले किसानों का गन्ना भुगतान कराएंगे, उसके बाद ही मतदान करेंगे। जी हाँ, उनका कहना है कि पहले गन्ना भुगतान, बाद में मतदान। देखने वाली बात यह है कि उनके गांव रसूलपुर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आना गांव में सख्त मना है और वे अपनी जान माल की सुरक्षा स्वयं करें। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार अगर किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो मुरादाबाद में मतदान भी नहीं होगा। किसान एक भी वोट नहीं डालेगा और चुनाव का बहिष्कार करेगा, क्योंकि जब तक किसान है अभी जवान है। अब देखना यह होगा, ये खबर चलने के बाद पुलिस प्रशासन ये सरकार में क्या खलबली मची है। सिंह है, मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मीटिंग का उद्देश्य है, ये मासिक मीटिंग है, इसमें किसानों की जो समस्याएं उनकी चर्चा करते हैं। आज की मुख्य समस्या बिजली और गन्ना है। गन्ना जितनी मंडल की चीनी मिले हैं दो दो तीन तीन महीने पेमेंट से पीछे चल रही हैं। कुछ चीनी मिले को तो ये हाल है कि 15 दिन का ही पेमेंट किया है, जिससे किसान अपनी बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर रही है। झूठ बोल रही है, जमीन पर नहीं बोल रही, वो हवा में हवाई कर रही है। यहाँ सारा किसान परेशान है और बिजली वाले छापे मार रहे हैं कि पेमेंट दो, बिजली के डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। इस समस्या गंभीर है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि कमिश्नर से मिला जाएगा कि कोई भी छापा लगेगा तो बिजली वालों का घिराव करके उनको वहीं रोक लिया जाएगा गांव में। या तो हमारा पैसा दिलवाओ या छापा बंद। किसान जो है सरकार के विरोध में जाएगा कि जब किसान को कुछ आज तक दिया ही नहीं है, किसान को उसका लाभकारी मूल्य नहीं दिया, किसान की बिजली सस्ती नहीं की, किसान की जितनी जिनसे हैं वो जब तक किसान पर रहती हैं उसकी फसलों का जो है औने पौने पर बिक जाती हैं और बाज़ार में जाते ही वो महंगी हो जाती हैं। महंगाई भी किसान को दोनों तरफ से परेशान कर रही है, डीजल बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है। तो किसान इस सरकार से, दोनों सरकारों से, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, तरफ उद्देश्य है कि किसान की जो समस्या है उस पर चर्चा है। और इस समय निर्वाचन चुनाव आयोग हमारी बात सुन रहे होंगे, हमारी बात पहुँच रही होगी। हमने ये एजेंडा तैयार किया है कि किसानों का पहले गन्ना भुगतान और फसलों का जो न्यूनतम दाम 1.5 गुना इस सरकार में चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था, पिछला अभी तक पूरा नहीं हुआ। हम ये बता देना चाहते हैं कि किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो मतदान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो वोट लगना या न लगना उस पर हम नहीं जाते। हम एक बात कह रहे हैं, जो काम करेगा वो पहचाना जाएगा। सरकार ने अपनी बात अपनी उपलब्धि गिना दी, लेकिन जमीन पर धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। किसान का पशु 1 लाख का 10 हज़ार का हो गया है, दूध का कोई रेट नहीं हुआ है, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। हिंदुस्तान अगर डिजिटल बनाने की बात है तो पहले डिजिटल बनाने से पहले डिजिटल गन्ने का भुगतान होना चाहिए। जब एक बटन दबाने से किसान की पर्ची बाहर आ सकती है तो दूसरा बटन दबाने से किसान का भुगतान बैंक के खाते में क्यों नहीं जा सकता।